इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, कोई नंबर है उस नंबर से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1/2 एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करना है बाई 1/2 से। पहले आपको सब्ट्रैक्ट करना है, फिर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और आपको ये आंसर मिलेगा। तो बताओ वो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसको हाफ से मल्टीप्लाई करके हाफ माइनस करें तो 1/8 आता है, तो वो नंबर आपको बताना है। हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेट द नंबर, हमने उस नंबर को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसमें देखो जो नंबर है वो मैंने लिख दिया। अब ये कह रहा है पहले आपको इसमें से हाफ माइनस करना है, फिर माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा यही होगा। पहले आपको हाफ माइनस करना है, माइनस करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से आपको जो भी रिजल्ट आता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना है और आपका जो आंसर है आपको मिलेगा 1/8। तो बताओ इस x का मतलब क्या है, हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2 आएगा आपके यहाँ पर एलसीएम। अब यहाँ पर 2 एलसीएम है तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 2 1 2 हो गया, यहाँ 2 / 2 × x 2x। या फिर जब भी यहाँ पर 1 होना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया करो। अब ये दोनों सेम, ऊपर वाला नंबर भी आपके सेम आएगा, (1/2) = 1/8। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 को पहले से करो 2x, 1 × 1 1, और डिवाइड में क्या आएगा, 2 × 2 = 4 = 1/8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप चाहो इस 4 को तो ट्रांसफर कर सकते हो, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 2 = 16x, 8 × 1 = 8। केवल ऐसा कर सकते हो, बराबर लगा सकते हो, चलेगा। फिर 4 × 4, माइनस का है तो ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा आपके प्लस का 8, ये हो गया 16x और ये हो गया आपके 12। अब मल्टीपल का हो जाएगा आपके डिवाइड में और x का वैल्यू आएगा आपके 12/16। दोनों में ही 4 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है आपके 3 टाइम और यहाँ पर जा रहा है आपके 4 टाइम। आप तो ट्राई कर सकते हो, जैसे 3/4 में से अगर हाफ माइनस करते हैं तो बचता है 1/4, समझ लो ये 3 पाव है, और ये आधा किलो घटा दो तो बचेगा 1 पाव, और उसका हाफ कर देंगे तो हो जाएगा 1/8। ऐसे चेक कर सकते हो, हमारा आंसर ये है 3/4। लेकिन ये क्वेश्चन आप जब भी करो ना, उससे पहले आपको 2.3, 2.5, 2.6 पहले कर लेना। जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं इनको आपको पहले सॉल्व करना आना चाहिए, फिर आप इक्वेशन के देख कर भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल स्विमिंग पूल। समझ लो रेक्टेंगल है, एक स्विमिंग पूल जैसा नाम दीजिए, स्विमिंग पूल बना हुआ है, जैसे ये रहा आपके स्विमिंग पूल। तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का है, रेक्टेंगल है, लेंथ ब्रेथ वाला रेक्टेंगल, तो यहाँ लेंथ है, इधर ब्रेथ है, इधर लेंथ है, इधर ब्रेथ है। ये कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, मतलब सम ऑफ ऑल 4 साइड को बोलते हैं पेरीमीटर। ये दे रखा है आपके 154 दे रखा है। इट्स लेंथ इज 2 more than 2x, मतलब उसके डबल से 2 ज्यादा है। इट्स ब्रेथ, वॉट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ, हमें दोनों ही फाइंड करने हैं। इसमें 2 लाइनें दे रखी है, एक तो दे रखा है पेरीमीटर और दूसरा दे रखा है लेंथ कितनी है, ब्रेथ के डबल से 2 ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ऐसे मानते हैं लेंथ, सबसे पहले ब्रेथ, ब्रेथ को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ यही लाइन आप लिख सकते हो, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब के
2 मीटर ज्यादा है ब्रेथ के ट्वाइस से। अब ब्रेथ कितना है, एक्स है, तो इसका डबल। इसमें क्या इंग्लिश में हमेशा उल्टा आता है पढ़ने के लिए, हिंदी मीडियम होता तो वहाँ इजी लिखा हुआ है 2 गुने से 2 ज्यादा, लेकिन यहाँ पर क्या इंग्लिश मीडियम सब उल्टे लिखे हुए आते हैं। तो पहले हमें इसका डबल करना पड़ेगा, फिर आपको 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ये तो था आपके एक्स मीटर और ये है आपके ट्वाइस एंड 2 मोर। अब हमारे पास इस लाइन का तो हो गया, अब इस लाइन पर ध्यान देना पेरीमीटर का। तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इसमें क्या था आपके, इसमें था लाइन के पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास दे रखा है 154 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला है आपके 2l + b इज इक्वल टू 154, मतलब l प्लस बी एक बार, l प्लस बी 2 बार, 2 टाइम है, तो 2 टाइम l प्लस बी। 2 का 2 और लेंथ है वो आपके पास, हमारे पास दे रखी है 2x + 2 और जो ब्रेथ है वो दे रखी है हमारे पास x इज इक्वल टू 154। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का 2, ये भी x है ये भी x है, तो 2 टाइम ये 1 टाइम, 2 प्लस 1 हो गया आपके 3 टाइम प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 2 × 3 = 6x, 2 × 4 इज इक्वल टू 154, प्लस का उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा जो आएगा आपके 150। अब ये मल्टीपल में है तो हो जाएगा डिवाइड में और x का वैल्यू आएगा 150/6, डिवाइड कर दो, पहले जाएगा 2 टाइम फिर 3 बच जाएगा फिर 5 टाइम जाएगा, ये आया है आपके x का वैल्यू। x क्या है एक्चुअल में, ब्रेथ है, तो ब्रेथ आ गई है इसमें 25 मीटर और जो लेंथ है वो है 25 का डबल प्लस 2, डबल होता है 50 + 2 = 52, तो लेंथ 52 है और ब्रेथ 25 है। क्वेश्चन नंबर 3 है द बेस ऑफ एन आइसोस्कलिस ट्रायंगल। इसका मतलब होता है जिसकी साइड 2 इक्वल साइड हो, जैसे ये है आपके आइसोस्कलिस ट्रायंगल, हिंदी में से कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 साइड क्या हो, इक्वल हो। और इसने कहा इसका जो बेस है वो है 4/3, इसका जो बेस है ना वो 4/3 है और ये साइड हमें फाइंड करनी है। तो पेरीमीटर जो दे रखा है वो है 4 × 2/15 दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड, तो बताना है कि ये कितना है। तो हमने कितना मान लिया यहाँ पर, एक्स मान ली, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर लेट इक्वल साइड्स, हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है और जो बेस है वो दे रखा है आपके 4/3। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें आपके लिखा हुआ है पेरीमीटर ऑफ द आइसोस्कलिस ट्रायंगल जो दे रखा है 4 × 2/15 cm। अब पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, दिस वन एंड दिस वन, मतलब एक्स प्लस 4/3 इक्वल। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले देखो जो नंबर 15 डिवाइड में है ना वो तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, फिर हम क्या करना इसको से मल्टीप्लाई, 15 × 4 = 60, 60 + 2 = 62। या तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हो या फिर सबको 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इसको इधर ले आओ, डल एक्स एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये प्लस का है इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का। हम यहाँ ले लेंगे एलसीएम, ये नंबर सेम तो ऊपर वाला भी सेम आएगा, इसमें इसका डिवाइड जाता है 5 टाइम, 5 × 4 होता है आपके 20। अब चौथ या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे 15 × 30x और यहाँ पर अगर हम माइनस करते हैं तो ये होता है आपके 42 होना चाहिए, 42।
मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, एक्स का वैल्यू आएगा 42/30। दोनों में ही आपके 6 का डिवाइड जा रहा है, यहाँ जा रहा है 7 टाइम और यहाँ जा रहा है 5 टाइम। इसका मतलब जो इक्वल साइड है वो 7/5 है। ये मैंने इक्वल साइड जो है ना वो 7/5 एंड 4/3, ये तो 2 साइड्स है और ये थर्ड साइड तो ऑलरेडी दे रखी है और ये साइड हमने ऑलरेडी फाइंड कर दी। इन तीनों का आप सम करके देख सकते हो, हमारा आंसर यही आएगा, चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। कोई दो नंबर है जिनका सम करने पर 95 आता है। सेकंड आपके दे रखा है इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है। एक्सीड मतलब बता ज्यादा, अधिक है, मैच ज्यादा है, 15 ज्यादा है, बताना वो दोनों नंबर कौन से हैं। तो पहले देखो यहाँ पर दोनों नंबरों के बीच डिफरेंस दे रखा है, पहले ये लाइन लेंगे और फिर ये वाली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लेंगे हम। पहले लेते हैं लेट, दो नंबर है तो हम ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। सेकंड नंबर जो है वो है आपके लिखा हुआ है एक्सीड द अदर बाय 15, मतलब इस नंबर के 15 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 15। अब लिख सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है सम, दोनों का सम, तो यहां लिख सकते हैं हम सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू हो गया है आपके 95। अब दोनों का सम करना है, फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का। ये तो हमारा फर्स्ट नंबर है, ये रहा, ये सेकंड नंबर है, दोनों का हमें करना है सम, इक्वल आना चाहिए 95। तो बताना है दोनों नंबर कौन से हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ पर वैसे भी प्लस है, मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का उधर ट्रांसफर कर दो, एक्स प्लस एक्स इजिकल टू 95, ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा -15। वन एक्स हो गया आपकी 2x और माइनस करेंगे तो आएगा आपके 80। मल्टीपल का हो जाएगा आपके डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 80/2 इजिकल टू हो गया है 40। ये तो हुआ है हमारा फर्स्ट नंबर। अगर हमें सेकंड नंबर निकालना है तो वो लिखा हुआ है x प्लस 15, मतलब 40+15 इजिकल टू हो गया है आपके 85। 40 कितना हुआ, 55। ये देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 15 का है और दोनों का जो सम है वो कितना हो रहा है, 95। सम भी 95 हो रहा है और एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा भी है, ऐसे आपको करना है। क्वेश्चन नंबर है 5, टू नंबर्स आर इन रेशियो, दो नंबर है जो एक रेशियो में है जिनका रेशियो है 5:3 है। इफ दे डिफर मतलब डिफरेंस है, वैसे डिफरेंस बाई 18 और दोनों के बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, वो 18 का है, तो बताना है कि वो नंबर कौन से हैं। तो पहले लिख सकते हो आप रेशियो ऑफ टू नंबर इजिकल टू 5:3, दोनों के बीच में रेशियो है 5:3 दे रखा है। तो अगर आप 5:3 दे रखा है तो ऐसा मान सकते हो लेट फर्स्ट नंबर ये 5 है, रेशियो दे रखा है तो पीछे हम अपने आप से x लगा सकते हैं और जो सेकंड नंबर है वो हो गया है आपके 3 दे रखा है, तो मतलब 3x। जब रेशियो दे रखा है तो पीछे आप 5a 3a ले सकते हो, 5y 6y या 5x 3x ले सकते हो। अगला है आपके डिफरेंस बाय 18, अब यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं और यह लिख सकते हैं डिफरेंस बाय 18, इसका मतलब है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 5x-3x इजिकल टू 18, माइनस कर दो तो 2x इजिकल टू 18, मल्टीपल ऑफ का हो जाएगा डिवाइड में, x इजिकल टू हो जाएगा 18/2 इजिकल टू 9। अब ये तो आ गया आपका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कुछ नहीं आया है, x आया है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर दिए रहा 5x 3x। तो हमें एक तो पहले फर्स्ट नंबर निकालना है,
फाइव इंटू नाइन, सेकेंड नंबर निकालना है तो थ्री इंटू नाइन, ये तो हो गया 45 और ये हो गया 27। दोनों का रेशो 5:3 का है और दोनों के बीच में जो गैप है वो आपके 18 का है। क्वेश्चन नंबर 6 है, थ्री कंजेक्टिव इंटीजर, तीन लगातार कंजेक्टिव इंटीजर्स दे रखे हैं जिनको अगर ऐड करते हैं तो 51 आता है, तो बताना है वो नंबर कौन से हैं। तो तीन लगातार को भी नंबर लेने, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1, 2, 3 ले लिया। अब होता क्या है कि हर नंबर एक नंबर से आगे वाले से कितना फर्क है आपके, एक एक का फर्क है। तो हम ऐसा लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर हमने मान लिया है x, तो सेकंड नंबर हो जाएगा आपके, अब एक एक ज्यादा है तो ये आएगा आपके x प्लस 1, और थर्ड वाला है वो हो जाएगा आपके x प्लस 2। मतलब ये नंबर तो हमने x मान लिया, ये नंबर x प्लस 1 है और ये वाला x प्लस 2 है, मतलब इससे ये एक ज़्यादा है, इससे ये और इसमें, क्योंकि x हमने यहाँ माना हुआ है तो यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, तो हमने यहाँ पर पहले 1 लिया फिर 2 लिया। फिर हम लेते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें आपके लिखा हुआ है कि सम ऐड करना है, सम ऑफ थ्री कंजेक्टिव नंबर्स इजिकल टू 51 हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 ऐड करने पर क्या आपको साइन तो चेंज होने वाला है नहीं, तो हमने इस नंबर को, इस नंबर को, इस नंबर को, तीनों को ऐड किया तो आता है 51। इस 3 को उधर ट्रांसफर कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 1x इजिकल टू हो जाएगा 3x, और ये प्लस का 1 प्लस का 2 उधर ट्रांसफर कर देंगे, 3x इजिकल टू हो गया है आपके कितना 48, मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू आएगा 48 अपॉन 3, 16 हो गया है। अब हमें ये तो हमें मिला है फर्स्ट नंबर, अगर आपको चाहिए कि सेकंड नंबर कौन सा है तो वो है आपके ये लिखा हुआ है x प्लस 1, तो 16 प्लस 1 इजिकल टू 17, और अगर आपको निकालना है थर्ड नंबर तो ये हो गया 16 प्लस 2 इजिकल टू हो गया है 18, ये हो गए लगातार थ्री कंजेक्टिव नंबर, अगर आप तीनों को ऐड करोगे तो 51 आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ थ्री कंजेक्टिव मल्टीपल ऑफ 8, मतलब लगातार तीन कंजेक्टिव नंबर ऐसे जिसमें मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब जिसमें 8 का डिवाइड जाए, ऐसे नंबर उनका अगर सम करेंगे तो आता है 8 आता है, फाइंड द मल्टीपल्स, मतलब जिसमें 8 का डिवाइड जाए, मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब होता है जैसे मान लो 8, 16 और 24 ऐसे, तो जिसमें तीनों में लगातार नंबर हो, तीनों में 8 का डिवाइड जाए, ऐसे नंबर जिनका सम हो 8, तो वो नंबर बताने हैं। हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेट फर्स्ट नंबर को हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया, माना कि ये x है, तो अगला वाला क्या है, इसमें कितना गैप है, 8 का गैप है, और फिर यहाँ कितना गैप है, 16 का गैप है, तो फर्स्ट नंबर अगर आपका x है तो जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा आपके x प्लस 8, और जो थर्ड नंबर है वो हो जाएगा आपके x प्लस 16, क्योंकि यहाँ 16 का गैप है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपको लगातार तीन नंबर लेने हैं, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, तीनों का जो सम है वो हो रहा है आपके 888, 1x इजिकल टू 3x, और इनको और इसको सम करेंगे तो आता है आपके 24, 24 तो ट्रांसफर कर देंगे, 888 माइनस 24, तो 3x इजिकल टू, माइनस करने पर आता है आपके 468, मल्टीपल का हो जाएगा आपके डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 864 अपॉन 3, अब 3 का डिवाइड हम पहले करेंगे तो जाएगा आपके 2 टाइम,
सिक्स आता है तो फिर टू बच जाएगा, अब जाएगा आपके एट टाइम, फिर टू बच जाएगा, फिर और जाएगा आपके एट टाइम। ये आया है आपका फर्स्ट नंबर, एक्स का वैल्यू फर्स्ट नंबर आ गया है। अब अगर आपको सेकंड नंबर लाना है तो 288 में आपको 8 ऐड करना पड़ेगा, तो वो होता है आपको कितना, ये है आपके 296। और अगर आपको चाहिए थर्ड नंबर, वो है 296 प्लस 8 इजिकल टू होता है आपके 304। ये तीनों नंबर ऐसे हैं जिसमें 8 का डिवाइड जाता है, और तीनों का अगर हम सम करेंगे तो ये आता है आपके 888। आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर है आपके 8, थ्री कंजेक्टिव नंबर, लगातार तीन नंबर है। सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 2, 3 और 4 से, फिर उनका जो ऐड करना है तो होता है 74। तो बताओ वो नंबर कौन से हैं, तो तीन नंबर लगातार है तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कर देंगे इसे। लेट फर्स्ट नंबर को हमने मान लिया है x, तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा आपके, लगातार तीन नंबर है तो x प्लस 1, और जो थर्ड नंबर है वो हो जाएगा आपके x प्लस 2। अब ये कह रहा है तीनों को 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो हम इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, और इसको करना है आपको 3 से मल्टीप्लाई, और इसको करना है आपको 4 से मल्टीप्लाई, फिर ऐड करना है तो 74 होता है, तो तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये होता है आपके 74। ये तो हो गया आपके 2x। अब यह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 × x, 3x, 3 × 1, 3, 4 × x, 4x, 4 × 2 = 8। अब ये 2 है और ये 4 है, तो ये और ये x, तीनों x के हैं, तो ये x साथ ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 = 5, 5 और 4 हो गया आपके कितना 9x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे साथ में, 8 और 3 हो गया है आपके 11। प्लस का तो ट्रांसफर कर दो तो ये हो जाएगा आपके माइनस, और 9x इजिकल टू माइनस करने पर आता है 63, मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, और x का वैल्यू आएगा 63/9 इजिकल टू 7। फर्स्ट नंबर 7 है, अब थ्री कंजेक्टिव नंबर है तो 7, 8, 9 आ जाएगा। अगर ये तो हुआ आपके फर्स्ट नंबर, और अगर आपको निकालना है सेकंड नंबर तो वो हो जाएगा 7 + 1 = 8। अगर हमें थर्ड नंबर भी निकालना है तो ये हो जाएगा आपके 7 + 2 = 9, तो वो नंबर हो गए हैं 7, 8 और 9। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो, इसको 4 से करते हो, और तीनों को अगर आप जोड़ते हो तो आता है 74। ये देखो ये 60 हो गया प्लस 40। चेक करने के लिए ये हमारे नंबर तो ये हैं, आंसर 7, 8 और 9। आप चेक कर सकते हो, ऐसे चेक करने से क्या होगा कि आपका फिक्स रहेगा कि मेरा उत्तर कभी गलत नहीं हो सकता।